मेषराशि, जितनी मेहनत और बुद्धिमानी से बड़ा लक्ष्य, चुनौती और सफलता मिल सकती है। करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज आपको किसी खास मामले में तुरंत कोई फैसला करना पड़ सकता है। ऑफिस में कॉम्पिटिशन रहेगा। आपकी कोशिश हर समय दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की रहेगी। पार्टनर से सहयोग की आशा रहेगी। उलझे हुए कुछ मामले आप अपनी बुद्धि से निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। नेगेटिव ज्यादा सोच विचार में समय ना गंवाए। अचानक मिलती परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। रूटीन कामों में कुछ जोखिम हो सकता है। जिद करेंगे तो किसी से फालतू विवाद हो सकता है। कुछ मामलों में लोगों की मदद नहीं मिल पाएगी। फालतू कामों में पैसा और समय खराब हो सकता है। दौड़ भाग भी रहेगी। कामकाज में रुकावटें आने से आपका मूड भी खराब हो सकता है। क्या ना करें, अपोजिट जेंडर वालों की बुराई ना करें। लव जीवन साथी से सहयोग और गिफ्ट मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। करियर, कार्यालय अथवा दुकान खरीदने का मन बनेगा। कारोबार के लिए यात्रा का योग है। नौकरी में परेशानी हो सकती है। मेष राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। नींद की कमी रहेगी। सिरदर्द और आंखों में जलन हो सकती है। वृषभ, कार्य क्षेत्र में नए एग्रीमेंट और समझौते होने के योग बन रहे हैं। आपका ध्यान किसी दूर स्थान पर ज्यादा रहेगा। हो सकता है आप यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। यात्रा का कार्यक्रम नहीं बनता है तो फोन पर लंबी बातचीत होने के योग बन रहे हैं। ऑफिस में कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी मदद भी कर सकता है। अच्छी ग्रह स्थिति बन रही है। उलझन भरी स्थितियों का कोई समाधान भी आप निकाल सकते हैं। रोमांस के अच्छे अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। सामाजिक कामकाज में सम्मान मिल सकता है। किसी अच्छे दोस्त से मुलाकात हो सकती है। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। आपको बुद्धि और तर्क के दम पर अपने कामों में सफलता मिल सकती है। नेगेटिव प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। जमीन जायदाद खरीदने में जल्दबाजी ना करें। नुकसान हो सकता है। अपने आसपास या साथ के ही किसी व्यक्ति से लेनदेन की बात शेयर ना करें। क्या करें, किसी की शिकायत या चुगली करने से बचें। लव पार्टनर आपको आर्थिक मदद कर सकता है। साथ काम करने वाले या अपने से जुड़े किसी अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। करियर, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से दूर हीरने की कोशिश करें। लेनदेन गुप्त रखें। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, मौसमी रोग होने के योग बन रहे हैं। सावधान रहें। मिथुन, पॉजिटिव आपके लिए दिन बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम का निमंत्रण हो तो जाना ना भूलें। आपकी मुलाकात खास लोगों से हो सकती है। आपको अपने नियमित कामकाज से कुछ समय के लिए छुटकारा भी मिल सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात के योग है। दोस्तों से भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। उनसे कोई फायदा भी हो सकता है। आपकी ज्यादातर परेशानियां खत्म हो सकती है। जिस काम को आप अधूरा समझ रहे हैं वह पूरा हो जाएगा। बड़े लोगों से सहयोग मिलेगा। नेगेटिव, कुछ मौके और समय आप फालतू गंवा सकते हैं। अपनी आदतों को लेकर सीरियस रहे। कागजी कामकाज में परेशानियां आ सकती है। कागजी कार्यवाही में आपका मन कम ही लगेगा। आज आप किसी काम को आगे टालेंगे तो आपको ही नुकसान हो सकता है। परिवार और पैसे के मामलों के बीच उलझन भी हो सकती है। क्या करें, गुनगुने पानी से गरारे करें। लव प्रेम प्रस्ताव विफल हो सकते हैं। विवाद होने की संभावना भी बन रही है। मिथुन राशि के अविवाहित लोग प्यार का इजहार ना करें। करियर, व्यापार संबंधित कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत होगा। कारोबार बढ़ेगा। अपने से निचले स्तर के कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत से कुछ कम परिणाम मिलेंगे। हेल्थ, दिन थकान भरा रहेगा। आराम करें नहीं तो परेशानी हो सकती है। कर्क, पॉजिटिव आपके किए गए काम किस्मत के सहयोग से पूरे हो सकते हैं।
अपने फायदे की चिंता जरूर करें, दूसरों को नाराज किए बिना चतुराई से काम करें। कुछ नए और अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं जिन्हें आपको बिना समय गंवाए मानना होगा। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपको धार्मिक काम करने के लिए उकसाएगा। आज किसी भी काम के लिए पूरा कॉन्फिडेंस जरूरी है। विशेष लाभ व उन्नति के लिए आज आपको कुछ ज्यादा ही कोशिशें करनी पड़ सकती है, लेकिन आप सफल भी हो सकते हैं। नेगेटिव, आपके कुछ काम बाकी रह सकते हैं। दोस्तों के साथ ज्यादा समय बीतेगा, इससे खास काम भी अधूरे रह सकते हैं। आपके मन में स्वार्थपूर्ण विचार आ जा सकते हैं। आज आपके फैसलों में कोई दखल दे सकता है, इससे आपका मूड भी खराब होने की संभावना है। क्या ना करें, खाना खाकर आधे घंटे तक पानी ना पिए। लवलव पार्टनर पर खर्चा अधिक हो सकता है। लवर या जीवन साथी पर गुस्सा ना करें, अपनी भावनाएं जबरदस्ती ना थोपे। करियर, नौकरी और बिजनेस में विशेष लाभ की संभावना बन रही है। आज इस राशि के कुछ स्टूडेंट्स को महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिल सकेगी। हेल्थ मसल्स संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, सावधान रहे। सिंह, पॉजिटिव दिन सामान्य रहेगा। कामकाज में ही पूरा दिन निकल सकता है। धैर्य रखें और लोगों की बात ध्यान से सुनते रहें। उनकी कुछ बातें आपके लिए भी काम की हो सकती है। चुनौतीपूर्ण स्थितियां आपके हित में हो सकती है। आज किए गए काम आपको आने वाले दिनों में फायदा दे सकते हैं। आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। नेगेटिव, सोचे हुए काम पूरे नहीं होने से आपका मूड भी खराब हो सकता है। कोई नया काम शुरू ना करें, आपके लिए दिन थोड़ा टफ हो सकता है। कार्यक्षेत्र की स्थितियां आपका ध्यान भटका सकती हैं। आज आपका मन फालतू कामों में ज्यादा रहेगा। आप खुद एकाग्र होने की कोशिश करेंगे तो साथ के लोग आपको परेशान भी कर सकते हैं। आप अपनी बात जिद्या स्टाइल पर न अड़े रहे। दूसरों की बात से सहमत होने के लिए आपको खुद को मनाना पड़ेगा, इस कारण आपके मन में तनाव भी हो सकता है। क्या करें, किसी ब्राह्मण या मंदिर के पुजारी को जनेऊ दान दें। लव, अविवाहित लोगों के प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। पार्टनर का मूड ठीक नहीं रहेगा। करियर बिजनेस में फायदा कुछ कम ही होगा। ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। हेल्थ, पानी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, सावधान रहे। कन्या, पॉजिटिव, परिवार की स्थितियों में कुछ बदलाव हो सकता है। आपकी दिनचर्या बदल सकती है। पैसों की स्थिति में अच्छे खासे बदलाव के मौके आपको मिल सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे किसी बारे में विचार जानने की कोशिश करता है तो अपनी बात बहुत साफ ढंग से रखें। जीवन साथी के साथ संबंध और गहरे भी हो सकते हैं। रोजमर्रा के काम भी पूरे होने के योग हैं। कोई लक्ष्य तय करें, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उसमें जुट जाएं। आज आप खुद के सच्चे साथी बनेंगे। आपके काम बनते चले जाएंगे। सोच समझ कर फैसले लेने से ही फायदा हो सकता है। परिवार, समाज में आपका महत्व बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग है। नेगेटिव, अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाना पड़ सकता है। आज आपको अपनी जिम्मेदारियां निभाने में परेशानी हो सकती है। किसी मामले में गलतफहमी होने के भी योग बन रहे हैं। दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। क्या करें, चाय या दूध पीकर मुंह साफ करें, कुल्ला करें। लव पार्टनर के साथ आज अच्छा समय बीतेगा। वाणी पर संयम रखें। करियर, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। सोच समझ कर बढ़े, प्रयास करें। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ी परेशानियों वाला भी हो सकता है। हेल्थ, सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। भोजन में मसालेदार चीजें उपयोग ना करें। तुला, पॉजिटिव, नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों पर आपका गहरा असर भी पड़ेगा। आपको ज्यादातर समय परिवार, जीवन साथी, प्रेमी और रिश्तेदारों को देना होगा। दूसरों की मदद करेंगे, आसपास के लोगों की परेशानियां सुनेंगे, लोगों की मदद भी करेंगे। इस वजह से भी आप नुकसान से बच सकते हैं। नेगेटिव, आज आप अपनी प्लानिंग गुप्त रखें, किसी से शेयर नहीं करें। दिन की शुरुआत थोड़ी खराब भी हो सकती है। ना चाहते हुए भी पैसा खर्चा हो सकता है।
परिवार के लोग आपको किसी कठिन स्थिति में डाल सकते हैं, आप पर या आपकी ईमानदारी पर कोई शक भी कर सकता है। रिश्तों के क्षेत्र में भी कुछ कठिन स्थितियां बन सकती हैं, वाद विवाद में उलझ सकते हैं, कामकाज में सुस्ती का माहौल रहेगा। क्या करें? पितृ देवताओं का ध्यान करें और प्रणाम करें। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों को लव प्रपोजल मिल सकते हैं। करियर नए सौदे आज ना करें तो ही अच्छा है, पैसा भी रुक सकता है। स्टूडेंट्स को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, दिन भी अच्छा रहेगा। हेल्थ, सिर और पेट दर्द हो सकता है, भोजन में सावधानी रखें। वृश्चिक, पॉजिटिव अचानक धन लाभ हो सकता है, आज आप किसी खास नतीजे के इंतजार में धैर्य रखेंगे तो खुश भी होंगे। यात्राओं की योजना बन सकती है, कार्यक्षेत्र में आप पूरी ताकत से काम निपटा लेंगे। कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को थोड़ा सा यथार्थपरक भी रखें, थोड़ा धैर्य रखें। आर्थिक तंगी आज खत्म हो सकती है, अच्छे लोगों की संगति से फायदा हो सकता है। संतान से कोई अच्छी खबर मिलने के योग है, कोशिशों से समस्याएं सुलझा लेंगे। नेगेटिव, किसी खास काम के लिए आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आज किसी से वाद विवाद भी हो सकता है, इससे मानसिक कष्ट बढ़ सकता है। गप्पे, कानाफूसी या किसी की बुराई करने से आपका ही नुकसान होगा, सावधान रहे। आलस्य के कारण आज आप कोई अच्छा मौका भी गंवा सकते हैं, क्या ना करें, खाने की थाली में ही हाथ ना धोएं। लव पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है, मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। करियर, आर्थिक तंगी खत्म होगी, इनकम और खर्चा बराबर रहेगा। ऑफिस में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, सेहत सामान्य रहेगी, जरूरी चेकअप हो सकता है। धनु, पॉजिटिव, थोड़ा निवेश करने के बारे में विचार करें, किसी अनुभवी से भी सलाह लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज होने वाली मुलाकातें और बातचीत में आप अपनी बात रख सकेंगे, दूसरों की परेशानियों से आप जितनी सहानुभूति रखेंगे आपको आगे चलकर उतना ही फायदा होगा। स्थितियों के अनुसार काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे, इससे आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ सकती है, कहीं से अचानक आपको उपहार मिलने के योग है। नेगेटिव, दिन आपके लिए थोड़ा सावधानी भरा रहेगा, पैसा खर्च करने में आप बहुत चतुराई से काम लेंगे, महंगी चीजों की खरीदारी हो सकती है। आज आप कोई नया और बड़ा डिसीजन ना लें तो ही अच्छा रहेगा। चंद्रमा गोचर कुंडली के चौथे भाव में होने से असामंजस्य की स्थिति बना सकता है, आज आप जो भी काम करें सावधानी से करें तो अच्छा है। क्या करें? मोगरा, ट्यूलिप या किसी फूल की खुशबू वाला परफ्यूम यूज करें। लव दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, अविवाहित प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा और अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। करियर अधिकारी आपकी बातों से सहमत रहेंगे, कामकाज में सुधार हो सकता है, बिजनेस ना बढ़ाएं तो ही अच्छा है, जो जैसा चल रहा है चलने दे। स्टूडेंट्स को औसत सफलता मिल सकती है। हेल्थ, थकान और नींद की कमी से परेशानी हो सकती है। मकर, पॉजिटिव, आपके सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं, आपके लिए दिन उत्साहवर्धक है और मनोरंजन भी होता रहेगा। अपनी इमेज सुधारने का मौका भी आपको मिल सकता है, कुछ नए संबंधों की शुरुआत होने के योग बन रहे हैं। विपरीत लिंग के लोग जरूर आपकी बातें गौर से सुनेंगे और आपको समझेंगे, आपको उनका समर्थन मिल सकता है। परिवार से जुड़े मामलों पर आपको ध्यान देना होगा, कुछ घरेलू उलझे हुए मामले आज सुलझ भी सकते हैं। परिवार का जो भी मामला है उसकी गहराई तक जाएं, आपको समाधान मिलने के योग है। कई दिनों से रुके काम पूरे हो सकते हैं, पारिवारिक संबंध भी मधुर हो सकते हैं। नेगेटिव, परिवार की चिंता और कॉम्पिटिशन रहेगा, पैसा मिलने में रुकावटें आ सकती हैं, साथ के लोगों से बिना बात ही बस होने के योग हैं। बेहतर रहेगा कि ऐसे मामले ही न उठाए जाएं जो विवादास्पद हैं। कुछ जिद्दी और घमंडी लोगों से मुलाकात हो सकती है, ऐसे लोगों से आज उलझन भी होगी। नहीं चाहते हुए कर्जा लेना पड़ सकता है या किसी का पैसा आप पर उधार हो सकता है। क्या करें? नमक के पानी से पैर धोएं। लव प्रपोजल देने के लिए दिन ठीक है,
शादीशुदा लोगों को सुख मिल सकता है, प्रेम बढ़ेगा, करियर बिजनेस में किसी तरह का जोखिम ना ले, उधार दिया पैसा वापस नहीं मिल पाएगा, स्टूडेंट्स के लिए समय सामान्य रहेगा, हेल्थ पुरानी बीमारियों में थोड़ा आराम मिल सकता है। कुंभ पॉजिटिव समय अच्छा है, कई क्षेत्रों में आप एक साथ सक्रिय भी रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना पड़ता है, तो भी संकोच ना करें, चाहे वो दिशा कोई भी हो, मन में कई तरह की बातें चलती रहेंगी। प्रेमी से अपनी भावनाएं जताने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। अविवाहित लोगों को रोमांस के अवसर मिल सकते हैं, यात्रा भी हो सकती है, मेहनत से धन कमा लेंगे, जो काम पिछले कई दिनों से अधूरे पड़े थे वे निपट सकते हैं, नए एग्रीमेंट होने या नए संबंध बनने की संभावना है। नेगेटिव, आज अपने मन की बात कहने में समस्या हो सकती है, बिना मांगे किसी को राय देना भारी पड़ सकता है, आज आप जो भी कहें सोच विचार कर ही कहें, क्या करें रोटी बिना घी की खाएं। लव प्रेम प्रस्ताव असफल हो सकता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, लव लाइफ अच्छी रहेगी, करियर कारोबार में व्यस्तता रहेगी, कार्य क्षेत्र में सम्मान मिल सकता है, स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, हेल्थ पुराने रोग खत्म होंगे, सेहत में भी सुधार होगा। मीन पॉजिटिव, जरूरी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, उलझी हुई स्थितियां आप संभाल सकते हैं, कुछ छोटे मोटे विवाद भी सुलझ सकते हैं, आप अपना हित देखकर काम करेंगे, बुद्धिमानी से आप परेशानियों से निपट सकते हैं, बिजनेस में कोई नया फैसला लेना पड़ेगा और वो आपके ही फेवर में रहेगा, सोचे हुए काम समय से पूरे हो जाएंगे, साझेदारी के कामों में सहयोग और सफलता मिल सकती है। नेगेटिव, ऑफिस या वर्क प्लेस पर तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, आज आप दोस्तों और परिवार की जरूरतों में फंस सकते हैं, लोगों की बातों में न फंस कर अपना समय भी खराब कर सकते हैं, पैसों की स्थिति की चिंता करनी होगी, फालतू खर्चा हो सकता है, किसी खास काम में जल्दबाजी ना करें, परेशान हो सकते हैं, नौकरी और बिजनेस में किसी बात को लेकर उलझने बढ़ सकती है, पैसों के मामलों में सावधानी रखनी होगी, सेहत को लेकर लापरवाही ना करें, क्या करें काला नमक पानी में बहाए, लवलव लाइफ में तनाव हो सकता है, प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहे, करियर जल्दबाजी में कोई काम ना करें, बिजनेस में फायदा हो सकता है। मीन राशि के स्टूडेंट्स थोड़े परेशान भी हो सकते हैं, हेल्थ पेट संबंधित रोग होने के योग बन रहे हैं। Thank you.